Assalamu alaikum, I am Sir Akbar, your English teacher, and it's English literature assignment number 2 for class 9. In this assignment, you are going to learn about adjective and its degrees. First, let me explain what's adjective. Adjective, it describes a noun or it clarifies the noun. It says something about noun that about its size, its color, its origin, and its quantity and quality. यानी एडजेक्टिव जो है ये नाउन के बारे में हमें बताता है, ये उस नाउन के साइज के बारे में, उसके कलर के बारे में यानी रंग के बारे में, उसके जो है तो ओरिजिन यानी कहाँ से वो चीज़ आई है यानी किस मुल्क ने बनाई है उसके बारे में, और या उसकी खसूसियत यानी उसकी क्वालिटी के बारे में, या उसकी मिकदार यानी उसकी क्वांटिटी के बारे में, ये हमें एडजेक्टिव बताता है नाउन के बारे में। तो एडजेक्टिव की भी 3 डिग्रीज होती हैं, जो कि है पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। अब पॉजिटिव डिग्री क्या है? पॉजिटिव डिग्री में जस्ट हम सिर्फ उस नाउन के बारे में बता रहे होते हैं, सिंपली कि हम कह रहे हैं कि ही इज़ अ गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का है। अब यहाँ पर गुड क्या है? एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव याद रखिए ये नाउन से पहले आता है। एडजेक्टिव कम्स बिफोर नाउन, एडजेक्टिव नाउन से पहले आता है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है तो एडजेक्टिव नाउन से पहले आता है, और सिंपली हम यहाँ पर कह रहे हैं कि ही इज़ अ गुड बॉय, कि वो एक अच्छा लड़का है। और अगर हम इसी लड़के का किसी दूसरे बच्चे से उसका कंपैरिजन करवाएं यानी उसका मुकाबला करवाएं, तो हम फिर यूज़ करेंगे कंपैरेटिव डिग्री। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल, ही इज़ बेटर देन हिम, ही इज़ बेटर देन हिम। पहले मैंने कहा ना ही इज़ अ गुड बॉय, फिर मैंने कहा ही इज़ बेटर देन हिम। अब अगर मैं इसका मुकाबला सिर्फ एक शख्स से नहीं बल्कि पूरी क्लास से अगर मैं करवाऊँ यानी बहुत सारे लोगों से, पूरी कम्युनिटी से, पूरी सोसाइटी से, तो फिर मैं क्या यूज़ करूँगा? सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री की जब हम इसका बनाएंगे, यूज़ करेंगे, तो ऐसे बन जाएगा सेंटेंस, ही इज़ द बेस्ट इन द क्लास, ही इज़ द बेस्ट इन द क्लास। तो याद रखिए कि जब हम कंपैरेटिव डिग्री दो बंदों को जब मुवाजना करवा मुकाबला करवाते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं, जब हम सिंपली किसी शख्स के बारे में बताते हैं तो उसके लिए हम पॉजिटिव डिग्री इस्तेमाल करते हैं, और जब हम उसका मुकाबला किसी एक या दो शख्स से नहीं बल्कि पूरी क्लास, पूरी कम्युनिटी, पूरी सोसाइटी से करते हैं, तो फिर हम यूज़ करते हैं सुपरलेटिव डिग्री। अच्छा, अब पॉजिटिव को कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री को कैसे बनाया जाए, इसके भी कुछ रूल्स हैं, वो मैं आपको बारी बारी बताता हूँ। सबसे पहला रूल जो है, पहले तो आपको सेलेबल के बारे में मालूम होना चाहिए कि सेलेबल क्या है। सेलेबल यानी SYLLABLE, सेलेबल। सेलेबल किसी भी वर्ड का वो हिस्सा जो ज़बान की एक ही हरकत से अदा हो जाए, उसे हम सेलेबल कहते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं पढ़ता हूँ इंग्लिश, तो इसको मैंने कितनी मरतबा पढ़ा? 2 मरतबा, 2 टाइम्स इंग्लिश। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वर्ड जो इंग्लिश है ये 2 सिलेबल वर्ड है, यानी 2 मरतबा पढ़ा गया इंग्लिश। तो याद रखो कि जब भी आप पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाते हैं एडजेक्टिव का, अगर वो सिंगल सिलेबल वर्ड होगा तो उसके साथ आपने मोर और मोस्ट का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि आपने उसका कंपैरेटिव बनाने के लिए ER लगाना है, और जब सुपरलेटिव बनाओगे तो उसके बाद IEST लगाना है सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जैसे ये वर्ड है अर्ली, अब अर्ली जो है ना ये सिंगल यानी 1 सिलेबल वर्ड है, तो इसका जब भी हम बनाएंगे इसका कंपैरेटिव, तो वाई हटाकर IER लगा दिया तो अर्लियर हो गया, और जब हम इसकी सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो वाई हटाकर IEST लिख देंगे, तो ये इसका सुपरलेटिव डिग्री बन गई। अब यहाँ पर आप जब देखते हैं एंग्रीली, अब एंग्रीली जो है सिंगल सेलेबल वर्ड नहीं है, एंग्रीली यानी 3 सिलेबल वर्ड हुआ ना, 3 मरतबा पढ़ा गया,
तो जब भी थ्री यानी सिलेबल वर्ड हो या टू सिलेबल वर्ड हो या मोर देन टू सिलेबल वर्ड हो तो उसके लिए याद रखें कि आपने सिर्फ और सिर्फ जो है कंपेरेटिव बनाने के लिए उससे पहले मोर लिखना है और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए उससे पहले मोस्ट का इस्तेमाल करना है। जैसे एंग्रेली, मोस्ट एंग्रेली, मोस्ट एंग्रेली। इसी तरीके से ब्रेवली, ये भी मोर देन टू सिलेबल वर्ड है, इसलिए मोर ब्रेवली, मोस्ट ब्रेवली। अब ब्रेवली मैंने बहादुरी से, बहुत ज़्यादा बहादुरी से और सबसे ज़्यादा बहादुरी से। अब एंग्रेली, गुस्से से। मोर एंग्रेली, बहुत ज़्यादा गुस्से से। मोस्ट एंग्रेली, सबसे ज़्यादा गुस्से से। अच्छा, इसी तरह केयरफुली, एहतियात से। मोर केयरफुली, मोस्ट केयरफुली। अब आपको समझ में आ जाएगा कि हमने मोर और मोस्ट का इस्तेमाल क्यों किया। मोर और मोस्ट का इस्तेमाल हम तब करेंगे कि जब अगर कोई भी वर्ड, कोई एडजेक्टिव जो है वो टू सिलेबल वर्ड हो जाए या थ्री सिलेबल वर्ड हो जाए तो फिर हम उसका कंपेरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए, कंपेरेटिव बनाने के लिए मोर लगाएंगे उससे पहले और सुपरलेटिव बनाने के लिए उससे पहले मोस्ट लिखेंगे। अच्छा, इसी तरीके से कम्फर्टेबली, मोर कम्फर्टेबली और मोस्ट कम्फर्टेबली। अर्ली का तो मैंने आपको बता दिया, अर्ली, अर्लियर, अर्लीस्ट। इसी तरह ईजीली, मोर ईजीली और मोस्ट ईजीली। इसलिए मोर मोस्ट इस्तेमाल हुआ कि ये जो ईजीली वर्ड है ये भी टू सेलेबल वर्ड है। इसी तरह लाउडली, मोर लाउडली और मोस्ट लाउडली। अब इस वर्ड के ऊपर आ जाए फास्ट। जब हम इस वर्ड को पढ़ते हैं तो ये एक सिंगल सेलेबल वर्ड है, क्योंकि ये सिंगल सेलेबल एक ही बार में पढ़ा जा रहा है तो इसलिए इसका कंपेरेटिव बनाने के लिए हमने क्या लगना है, ER लगाना है इसका कंपेरेटिव बनाने के लिए, और सुपरलेटिव बनाने के लिए इसके आखिर में EST लगाएंगे। क्या लगाएंगे? EST। इसकी और एग्जाम्पल जैसे ओल्ड। अब ओल्ड है, OLD, ओल्ड, ये एडजेक्टिव है ओल्ड, इसका कंपेरेटिव बनाने के लिए हम क्या लगाएंगे, ER, ओल्डर, और इसका सुपरलेटिव बनाने के लिए EST, ओल्डेस्ट। इसी तरह जो है तो बिग, BIG, बिग। बिग क्या है? एडजेक्टिव है जो उसके साइज़ के बारे में बता रहा है कि वो कितना बड़ा है। अब ये वर्ड भी जब भी हम इसका, क्योंकि ये भी सिंगल सेलेबल है तो हम इसका जब कंपेरेटिव बनाएंगे तो हम लिखेंगे ER, तो बिग से बिगर, और EST इसका सुपरलेटिव बनाने के लिए लगाएंगे तो बिगेस्ट हो जाएगा, बिग, बिगर, बिगेस्ट। तो आगे एग्जांपल दिए हुए हैं जैसे जेंटली। अब ये भी मोर देन टू सेलेबल वर्ड है यानी मोर देन वन सेलेबल है, इसलिए मोर जेंटली और मोस्ट जेंटली। हैप्पीली, मोर हैप्पीली, मोस्ट हैप्पीली। अब याद देखें हार्ड। अब ये भी सिंगल सेलेबल है तो इसलिए हम इसको ER लगाकर कंपेरेटिव बनाएंगे और इसके आखिर में EST लगाकर सुपरलेटिव बनाएंगे, तो इस तरह हो जाएगा हार्डर, हार्डेस्ट। प्रोबेबली, मोर प्रोबेबली, मोस्ट प्रोबेबली। इसी तरह लॉन्ग। अब ये देखो सिंगल सेलेबल है, जब भी मैंने कहा था ना सिंगल सेलेबल आएगा तो उसका कंपेरेटिव बनाने के लिए क्या लगाएंगे, ER लगाएंगे, शाबाश, और सुपरलेटिव बनाने के लिए क्या लगाएंगे, EST। तो इस तरह हो जाएगा लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। फार का, फारदर, फारदेस्ट। अब ये इसके लिए जो है तो रूल जो है थोड़ा सा नहीं है, जैसे एक्सेप्शनल है, क्योंकि इसके आखिर में देखो THER हम लगा रहे हैं। वैसे तो हम सिंगुलर जो सिंगल सेलेबल वर्ड होता था तो उससे पहले उसके बाद हम लोग ER लगाते थे ना कंपेरेटिव बनाने के लिए और सुपरलेटिव बनाने के लिए EST लगाते थे, लेकिन यहाँ पर तो हमने इसके साथ इजाफी क्या कर दिया, TH भी लगा दिया है। तो ये एक्सेप्शनल है, यानी कि ये इस रूल के बाहर है। ये वर्ड आपने इसी तरीके से आपने बनाना होगा जैसे फार का, फारदर, फारदेस्ट। फार मीन दूर। नोइजली, अब ये मोर देन वन सिलेबल है इसलिए मोर नोइजली और मोस्ट नोइजली। इसी तरह हाई, हाई ऊंचा। अब ये हाई, ये जो वर्ड है तो ये क्या है, ये सिंगल सेलेबल है इसलिए ER लगाएंगे, हायर और EST लगाएंगे सुपरलेटिव बनाने के लिए, तो हाईएस्ट हो जाएगा। क्विकली, मोर क्विकली, मोस्ट क्विकली। इसी तरीके से स्किलफुली, मोर स्किलफुली, मोस्ट स्किलफुली। इसी तरीके से ट्रूथफुली, यानी सच्चाई से, मोर ट्रूथफुली, मोस्ट ट्रूथफुली।
स्किलफुली का मतलब होता है महारत से, और वेल वेल मैंने अच्छा वेल अच्छा। इधर यहाँ पर दो एडजेक्टिव है, एक वेल है और एक है गुड। इन दोनों का कंपैरेटिव और सुपरलेटिव दोनों का सेम है। अगर यहाँ पर गुड लिखा होता या वेल है तो यहाँ पर उसका बनेगा कंपैरेटिव बेटर, और सुपरलेटिव इसकी बनेगी बेस्ट। तो बेटर बेस्ट, गुड बेटर बेस्ट, वेल बेटर बेस्ट। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा एडजेक्टिव के बारे में। पहले मैंने एडजेक्टिव की डिफिनेशन बताई कि एडजेक्टिव क्या करता है। ये एडजेक्टिव जो है ना किसी नाउन को डिस्क्राइब करता है, उसकी क्लेरिफाई करता है, उस नाउन को क्लियर करता है, उस नाउन के बारे में हमें बताता है, उसकी अच्छाई, तादाद, मकदार, उसका साइज, उसका कलर, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। अच्छा, तो फिर हम एडजेक्टिव की तीन डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। फिर मैंने आपको ये भी बताया कि पॉजिटिव डिग्री जो है, जब हम सिंपल किसी शख्स के बारे में बता रहे होते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कि ही इज़ अ गुड बॉय, तो यहाँ पर हम सिंपली उसके बारे में बता रहे हैं कि वो एक अच्छा लड़का है। और अगर हम उसका कंपेयर करवाएं दूसरे बंदे के साथ, मुकाबला करवाएं, तो फिर हम यूज़ करेंगे कंपेरेटिव डिग्री। तो फिर वो ऐसे हो जाएगा, ही इज़ बेटर देन हिम। और फिर अगर हम सुपरलेटिव डिग्री का मतलब ये है कि आप अगर किसी एक शख्स या दो शख्स से मुकाबला नहीं, बल्कि कुल यानी पूरे लोगों से, यानी पूरी उस क्लास के स्टूडेंट से अगर उसका मुकाबला करवा रहे हैं, तो फिर आप यूज़ करते हैं सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री में वो हो जाएगा ही इज़ द बेस्ट इन द क्लास। तो फिर मैंने आपको ये भी बताया कि पॉजिटिव डिग्री पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के बारे में, कि इसमें अगर कोई भी वर्ड एक मरतबा पढ़ा जा रहा है तो उसे हम सिंगल सेलेबल वर्ड कहेंगे। सेलेबल का मतलब ये है कि किसी भी लफ्ज़ का वो हिस्सा जो ज़बान की एक ही हरकत से अदा हो जाए, उसे हम कहते हैं सेलेबल। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी इंग्लिश, तो इसको दो मरतबा पढ़ा गया इंग्लिश, तो इसलिए इंग और लिश, तो ये टू सेलेबल वर्ड हुआ। तो अगर कोई सिंगल सेलेबल वर्ड होगा तो उसका कंपेरेटिव बनाने के लिए ER और सुपरलेटिव बनाने के लिए EST उसके आखिर में लगाएंगे। और अगर वो मोर देन वन सेलेबल वर्ड होगा तो उसका कंपेरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए मोर और मोस्ट लगाएंगे उससे पहले। ठीक है, आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी और अब आपको इजी हो गया है। मगर ये आपने एज इट इज़ इसी तरीके से याद भी करना है, और इसी तरीके से आपने ये सारे रूल्स रेगुलेशन भी इसको अपने जहन में रखने हैं और इसको अपने रजिस्टर में लिख दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।